फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर बोट ब्रांड के जितने भी ड्रिंक्स आते हैं तो वे सारे प्रोडक्ट का आप डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया में कैसे ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया है, तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी की वीडियो जो है आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको यहां पे कंपनी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पेपर बोट इंडिया का एक ट्रेडिशनल ब्रांड है फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, और इस ब्रांड को जो है हेक्टर बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। और अगर हम लोग इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, पूरे पैन इंडिया में इनकी दो जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अवेलेबल है। पहला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मानेसर गुड़गांव में है, एंड जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मैसूर कर्नाटका में है। और अगर हम लोग यहाँ पे पेपर बोट ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मार्केट में जो है आपको पेपर बोट ब्रांड से जो है बहुत सारे ड्रिंक जो है मार्केट में अवेलेबल है, और इनके जो है कुछ कुछ सीजनल ड्रिंक भी जो है अभी मार्केट में आते हैं। तो यहाँ पे पेपर बोट के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं पेपर बोट का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेपर बोट का जो है ठंडाई ड्रिंक्स आता है, इसके अलावा यहाँ पे रोज ड्रिंक है, उसके बाद चिली गुआवा है, देन इसके बाद यहाँ पे नीर है, अनार है, आम रस है, जलजीरा है, कोकम है, इसके अलावा यहाँ पे जलजीरा है, जामुन है, आम पाना है, जिंजर लेमन टी है। और इसके अलावा इनके जो है सीजनल ड्रिंक्स भी आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं शरबते ई खास, जो कि ईद के समय इसको जो है मार्केट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पनकम है, ये जो है रमनमी के समय लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पेपर बोट की जो है कितनी वेराइटी ऑफ ड्रिंक जो है मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी कंपनी पैन इंडिया जो है अपना डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप पेपर बोट का डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप अपने एरिया के लिए लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपको पेपर बोट के ये सारे ड्रिंक्स का अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको अपने एरिया के लिए लेना है तो इसके लिए कंपनी तरफ से क्या बेसिक क्राइटेरिया आप लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा बेसिक क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है, बशर्ते आपके पास में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बिजनेस का। इसके अलावा जो है आपके पास में 500 स्क्वायर फीट जो है एरिया होना चाहिए जहां से आप पेपर बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टार्ट कर सके। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि आपको जो है कौन कौन से यहां पे लाइसेंस आपको लगने वाले हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला यहां पे जो है आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप इसी तीन लाइसेंस में जो है आप पेपर बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने एरिया के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको पेपर बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए जो है आपको यहां पे कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। फ्रेंड्स, यहां पे जो भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा इसमें जो है आपका स्पेस एरिया का आपका रेंट या डिपॉजिट जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहां पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कंपनी जो है यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिपॉजिट आपसे नहीं लेती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अगेंस्ट में। यहां पे जो है सारा काम कैश में होता है, आप जितना कंपनी के अकाउंट में आप पैसा लगाएंगे उतना का माल जो है कंपनी आपको भेजती है। यहां तक आप लोग क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कंपनी से आपको इनिशियल स्टॉक आपको परचेस करना पड़ता है। तो यहां पे कंपनी की तरफ से जो इनिशियल स्टॉक परचेस का अमाउंट है वो 1.5 से 2 लाख का है, यानी कि फ्रेंड्स आपको इनिशियल जो है 2 लाख का माल जो है आपको कंपनी से परचेस करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट है, यहां पे आपको कमर्शियल व्हीकल आपको परचेस करना पड़ेगा। आप जिस लोकेशन में आप डिस्ट्रीब्यूटर पेपर बोट ड्रिंक्स का आप लेंगे तो फ्रेंड्स आपको वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के लिए यहां पर आपको कमर्शियल व्हीकल का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहां पर जो है आप कमर्शियल व्हीकल जो है आप सेकंड हैंड भी लेके जो है आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप सेकंड हैंड कमर्शियल व्हीकल आप लेते हैं तो आपको 3 लाख का खर्चा आता है। तो यहां पे अगर आप देखें टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपको 5 से 6 लाख के बीच में जो है आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है अगर आप पेपर बोट के ड्रिंक्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप अपने एरिया के लिए लेते हैं तो। तो यहां पे अब हम लोग बात करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन यहां पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, यहां पे कंपनी जो है आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% का आपको प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपका अगर 5 लाख का अगर सेल होता है तो आपको 50,000 रुपए जो है यहां पे आपको प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका वैरी कर सकता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से समय समय पे जो है यहां पे स्कीम निकाले जाते हैं। तो वो आपको उस स्कीम में पार्टिसिपेट करके जो है यहां पे आप और भी अच्छा खासा आप प्रॉफिट मार्जिन आप यहां पे अर्न कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पेपर बोट ड्रिंक्स का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लेते हैं अपने एरिया के लिए तो जब कंपनी से आप यहां पे परचेस करने जाएंगे पेपर बोट का ड्रिंक तो आपको कितना कॉस्टिंग लगता है। फ्रेंड, जब यहां पे आप पेपर बोट का ऑरेंज, मैंगो और एप्पल का अगर आप जूस का कार्टून आप परचेस करेंगे तो आपको एक कार्टून जो है यहाँ पे 330 रुपये से लेकर 350 के बीच में आपको यहाँ पे प्राइस लगेगा। तो उसी को जो है आप यहाँ पे होलसेलर को जो है 390 रुपया या
400 में जो है आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप एक कार्टून आप परचेस करेंगे तो उस कार्टून के अंदर जो है 45 पीस जो है आपका बोतल रहेगा, जिसका MRP 450 रुपीज जो है आपका वहां पे प्रिंटेड रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है आप समझ सकते हैं कि एक बॉक्स के पीछे जो है आपका 45 से 50 रुपए का जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी के हिसाब से जो है आप कैलकुलेट पूरा कर सकते हैं कि आप कितना कार्टून बॉक्स आप बेचते हैं, उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपका पूरा आने वाला है। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको पेपर बोट के ये सारे ड्रिंक्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको अपने एरिया के लिए लेना है तो आप कंपनी से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए जो है आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक जो है आपका नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर आपको कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है कॉल का टाइमिंग दिया गया है, तो आप इसी टाइमिंग के अंदर जो है आप कंपनी को कॉल करेंगे। जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो कंपनी जो है आपका सारा डिटेल जो है आपसे लेती है। इसके बाद आपके एरिया का जो भी वहाँ पे एरिया सेल्स मैनेजर होगा तो उसका नंबर आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जब कंपनी आपको आपके एरिया का एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर आपको प्रोवाइड करती है, तब आप उस एरिया सेल्स मैनेजर से आप मिलकर जो है आप सारी जानकारी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का आप ले सकते हैं और वही जो है आपको सारा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर समझाते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और इसमें जो है आपको और क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सारी चीज़ जो है वो आपको पूरी तरह से समझाते हैं। तो यहां पे मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको पेपर बोट के ड्रिंक्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको अपने एरिया के लिए लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जो है आप मुझे वहाँ फॉलो करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं डेफिनेटली जो है आप लोगों को गाइड करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।